इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम 11th क्लास की एनसीईआरटी द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स के दौरान 5th चैप्टर दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कंप्लीट सेंस में कवर किया, उसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस के साथ। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। द चैप्टर नेम इज़ द रूरल डेवलपमेंट, मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके तहत हम ये सब हिस्से पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। कुछ सवाल हैं जिनसे हम चैप्टर को समझेंगे। देखिए, भारत जिसके सामने कई चुनौतियां हैं, कई इश्यूज हैं, चैलेंजेस, जिनमें से एक इशू हमने पढ़ा था पॉवर्टी, गरीबी। उस गरीबी के इशू के बारे में जब हमने जाना तो हमने ये समझा कि कुछ बुनियादी मसले हैं जिनकी वजह से गरीबी परसिस्टेंट रहती है इंडिया में, और उन बुनियादी मसलों में एक बड़ा मसला, एक बड़ा इशू ये है कि हमारे देश की, मैं मौजूदा आंकड़े बता रहा हूँ 2011 के सेंसस के, नहीं मौजूदा आंकड़े, कि हमारे देश की अप्रॉक्स 64% अराउंड पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। सेकंड, हमारे ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन में से 47% पॉपुलेशन लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और ओवरऑल 65% पॉपुलेशन एग्रेरियन है। और ये जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का, जब इसकी इकोनॉमिक कंडीशन ही बेहतर नहीं होगी तो अल्टीमेटली पूरे नेशन की इकोनॉमिक हेल्थ बिगड़ी रहेगी। ये डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, रूरल पॉपुलेशन, देश की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 20% पॉपुलेशन को होल्ड करता है। मतलब रूरल पॉपुलेशन का 20% पॉपुलेशन आज भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रहा है। तो आर्थिक स्तर पर वहाँ पर, इकोनॉमिक लेवल पर वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी उस स्तर पर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। पॉवर्टी आज भी 1/4 जनसंख्या को वहाँ पर घेरे हुए है। वहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम काज करती है। तो ये आंकड़े अगर हम स्टडी करें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें, तो ज़रूरी हो जाता है कि रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आज के समय में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस्ड अर्बन एरियाज एक्सपेंड हो रहे हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डोमिनेट करती हैं, ऐसी सोसाइटी में इस बात पर कितना बल क्यों दिया जा रहा है कि रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए? तो वहाँ से इस बात का जवाब मिलता है कि रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रूरल एरिया में इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रिजाइड करती है, दैट इज समवट अराउंड 64-65%। देश की कुल जनसंख्या का 65% जनसंख्या आज भी एग्रेरियन है, जो कि मेन ऑक्यूपेशन है रूरल सोसाइटी का। रूरल टोटल पॉपुलेशन का 20% जनसंख्या आज भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित है। और देश के लेवल पर डिमांड मोबिलाइजेशन करना है अगर आपको, तो आप अपने देश की डोमिनेंट पॉपुलेशन से ही मोबिलाइज करेंगे। देश की 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन को अगर आप इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे तो वो ही डिमांड रेस करेगी, और उनके द्वारा रेस करी गई डिमांड ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को पुश प्रोवाइड करेंगी, सर्विस सेक्टर को पुश प्रोवाइड करेंगी। तो अगर आप सेकेंडरी एंड टर्शरी और उसके आगे पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, दैट इज द क्वार्टरनरी, इन सेक्टर्स को पुश देना चाहते हैं और कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा। रूरल सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, तब जाकर के ओवरऑल नेशनल प्रॉस्पेरिटी एस्टेब्लिश होगी, और तब जाकर के एक नेशनल डेवलपमेंट होगा जिसका बेनिफिट आप ये कह पाएंगे कि समस्त देशवासियों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, तो हमारे सोशल गोल हमें अचीव होंगे। महात्मा गांधी हमेशा ये कहते रहे थे कि
क्योंकि डेवलपमेंट जो होती है किसी भी राष्ट्र की, उसका उद्देश्य मात्र ये नहीं होना चाहिए कि अर्बन सेंटर्स ग्रो करें, डेवलप करें, एक्सपेंड करें। उस डेवलपमेंट का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि उस राष्ट्र के ग्रामीण इलाकों का विकास हुआ है कि नहीं, वहाँ पर रह रहे समाज में विकास पहुँचा कि नहीं। अगर कोई भी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट नहीं कर पा रही, वहाँ पर इनकम इंक्रीज नहीं कर रही, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज ऑफर नहीं कर रही, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं दे पा रही है, तो शायद यह डेवलपमेंट उस राष्ट्र के हित में नहीं है और ये हो सकता है कि सस्टेन ना करें, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को मेंटेन रखें, जो मेंटेन होती है कंटिन्यूस डिमांड क्रिएशन से। और सेकेंड, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप लार्जर मासेस को पार्टिसिपेंट बनाए उस डेवलपमेंट का, ताकि वो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आगे आए, एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए आगे आए। क्योंकि आप जितने डाइवर्स स्टेक होल्डर्स को डेवलपमेंट में इंक्लूड करेंगे, वो डाइवर्स स्टेक होल्डर्स अपनी डाइवर्स प्रैक्टिसेस को कंसिडर करवाएंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। जैसे कि अगर उनके प्रकृति से कोई संबंध है, जलवायु से संबंध है, तो उन संबंधों को फोर फ्रंट पे रखेंगे बिफोर डिवाइसिंग द पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट। तो ऐसे में ये प्रयास किए जाएंगे कि सारा समाज आगे आकर के इस बात पर विचार करेगा कि हमें पर्यावरण का ख्याल रखना है, हमें आने वाली पीढ़ियों को रिसोर्सेज प्योर फॉर्म में उनके स्वयं के विकास के लिए मिले इस बात का ख्याल रखना है, और हमें आज के विकास करने के नाते आने वाली पीढ़ियों के विकास के अवसर उनसे छीनने नहीं है इस बात का ख्याल रखें। ये तब हो पाएगा जब लार्जर मासेस तक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लार्जर मासेस इसके पार्टिसिपेंट होंगे, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज जब आगे आती है तो वो अपने लिए पूरे फैसले नहीं लेगी, लेकिन जब सोसाइटी के कुछ ही मेंबर्स तक बेनिफिट्स सेंटर्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, तो वो अल्टीमेटली सोसाइटी और भविष्य के विषय में कितना ना सोचते हुए अपने निजी हितों के बारे में, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। इसके कारण हो सकता है कि रेकलेस रिसोर्स कंजम्पशन की जाए, हो सकता है कंटेमिनेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हो, पॉल्यूशन क्रिएट किए जाए और आने वाली पीढ़ियों से विकास का अवसर छीना जाए, आने वाले समय की प्रकृति को नुकसान पहुँचाया जाए, और हो सकता है कि ये फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल ना हो। लेकिन जब सारे समाज में विकास पहुँचता है तो सारा समाज आगे आता है, हर किसी को अपनी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर डेवलपमेंट करने का अवसर मिलता है। जब ये परिस्थिति बनती है तो एक सामाजिक विवेक का जन्म होता है, एक सोसाइटल विजडम का बर्थ होता है, और सोसाइटल विजडम ये कहती है कि हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलना है, जिसमें जीव जंतु, वन्य जीव, प्रकृति, वनस्पति, भावी पीढ़ियाँ, आने वाला समाज सब इंक्लूडेड रहेगा। ओके, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपनी कॉलोनी में भी अगर कोई फैसला ले रहे हैं, आप अपने घर में ही अगर कोई फैसला ले रहे हैं, आप युवा हैं तो अगर आप फैसला ले रहे हैं, अगर उसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है, मिडिल एज लोगों को भी शामिल किया गया है और वृद्धों को भी शामिल किया गया है, तो आप ये देखेंगे कि जो भी आप फैसला ले रहे हैं वो फैसला सबके हितों को ध्यान में रखकर के लिया जाएगा। जैसे आप युवा हैं तो आप म्यूज़िक सिस्टम लगाने का फैसला ले रहे हैं, उसमें आप सबको शामिल करेंगे तो बहुत बदलाव आ जाएंगे आपके फैसले में। आप म्यूज़िक सिस्टम के वॉल्यूम पर बात करेंगे कि वृद्ध जो हैं, जो सीनियर सिटीजन आपके घर में ओल्ड एज मेंबर हैं, एल्डरली, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, इतनी आवाज़ नहीं रखनी। फिर बच्चों के शाम को सोने का समय जल्दी है तो फिर जल्दी बंद भी कर दिया जाएगा, और वो भी ख्याल रखेंगे कि आप युवा हैं, आपको आनंद उठाना है, आपको एंजॉय करना है, तो एक समय तक डीजे बजने दिया जाए। तो इस तरह से जब हम डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर्स को ही इंक्लूड करके एक फैसला ले रहे हैं तो फैसला काफ़ी परिवर्तित हो गया पहले के फैसले के मुकाबले, जो फैसला केवल युवाओं के द्वारा लिया जा रहा है। इस तरह से भारतीय समस्त समाज को हम एक साथ लेकर के, अगर पीपल पार्टिसिपेशन से अगर हम फैसले लेंगे, नीतियाँ बनाएंगे, तो उन नीतियों में सर्वहित की बात आगे आएगी, ना कि निजहित की बात। और सर्वहित जो है वो बड़ी बात होती है, इसमें भविष्य का भी हित कंसिडर किया जाएगा, पर्यावरण का भी हित कंसिडर किया जाएगा, और इसमें प्रत्येक वर्ग के हित की बात होगी,
प्रत्येक जन के हित की बात होगी, तो यह जो एक विकास होगा यह सही मायने में एक ऐसी डेवलपमेंट देगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ऐसे में रूरल डेवलपमेंट और पैरामाउंट हो जाती है कि हम उन्हें आने वाले समय की नीतियों में विकास में हिस्सेदार बनाएं, उनका भी विश्वास हासिल करें, उनको विकास दे करके उन्हें भागीदार बनाएं विकास की नई योजनाओं में। तो इस वजह से भी रूरल डेवलपमेंट करना बहुत अनिवार्य है। देश में तमाम खाज काम कार्यों के लिए जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और भी देश के स्तर पर फूड सिक्योरिटी के लिए, इनकम डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर का थ्राइव करना बहुत जरूरी है, जो रूरल सोसाइटी से ही कनेक्टेड है। इस वजह से भी रूरल डेवलपमेंट होना जरूरी है। हमारे देश की बहुत सी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं, हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ है जो हमारे ग्रामीण समाज में नीड है। हम उन कल्चर्स को, उन प्रैक्टिसेस को, उन ट्रेडिशनल नॉलेज को, उन फेस्टिवल्स को, उन मान्यताओं को, मर्यादाओं को यदि जीवित रखना चाहते हैं तो भी जरूरी है कि ग्रामीण समाज सशक्त हो, विकसित हो। इसलिए भी रूरल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। सो ए प्रॉस्पेरस प्रोग्रेसिव एंड डेप्थ ऑफ द रूरल सोसाइटी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉस्पेरस प्रोग्रेसिव एंड अ डेवलप्ड इंडिया। आप आने वाले समय में एक डेवलप्ड मुल्क बनने वाले हैं, ऐसा आपका दावा है कि 2047 तक आप ये स्टेटस हासिल करेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि देश भर के स्तर पर माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल किया जाए, माल नरिशमेंट को कंट्रोल किया जाए। जब प्रथम चरण, जब फर्स्ट स्टेज पे एक सर्टेन लेवल तक आपकी बॉडी ग्रोथ, आपका बॉडी मास, आपकी हाइट, आपकी इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू द डिजीजेज ये कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं तो दिस इज़ द माल न्यूट्रिशन। लेकिन जब ये क्रॉनिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं दिस इज़ द माल नरिशमेंट। तो देश को माल न्यूट्रिशन से, माल नरिशमेंट से बचाया जाए, देश को हंगर से और पॉवर्टी से बचाया जाए, देश को बैकवर्डनेस से निकाला जाए, देश में किसी भी तरह की जो एक इनइक्वालिटीज़ हैं ख़ासतौर पर कास्ट एंड द जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़, इनको दूर किया जाए और ओवरऑल लोगों को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड दिया जाए, ये अगर पूरा किया जाएगा तब हम डेवलप्ड इंडिया होने का दावा प्रस्तुत कर पाएंगे। वह भारत ही डेवलप्ड भारत होगा। तो ये सारे मिनेस मुख्यतः किस समाज से जुड़े हैं? ग्रामीण समाज से जुड़े हैं। ये सारी चुनौतियां, ये समस्याएं किस समाज की हैं? ग्रामीण समाज की हैं, रूरल सोसाइटी की ये इश्यूज़ हैं। तो इस चैप्टर के तहत क्या मेजर इश्यूज़ हैं रूरल डेवलपमेंट के मार्ग में, हमें वह समझना है, इसलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें यह समझना है कि रूरल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, क्यों वो बहुत ही पाइवोटल रोल प्ले करता है, तो हम इस पर बात करेंगे। हमें इस बात पर बल देना है कि हम किस तरह से देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को डाइवर्सीफाई कर पाएँ, हम क्रेडिट एंड मनी का यूटिलाइजेशन किस मैनर में करें, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किस मैनर में करें कि हम रूरल प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ, हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड लोगों के लिए क्रिएट कर पाएँ इनकम, और हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें जिसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या रोल प्ले करती है, हम इसे समझें। तो अलग अलग विषयों के लिए चैप्टर में अलग अलग चीज़ों को हम पढ़ेंगे। हम चुनौतियों को भी पढ़ेंगे, द इशूज़ एसोसिएटेड विद द रूरल डेवलपमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, रूरल डेवलपमेंट की भूमिका नेशनल डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि मनी एंड क्रेडिट एंड एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से एसोसिएटेड है। हम समझेंगे कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए डाइवर्सिफाइड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है, और हम ये समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते रहना चाहिए और ये प्रैक्टिसेस हमें क्यों अपनानी चाहिए। तो पूरी रूपरेखा इस चैप्टर की इन्हीं विषयों के अराउंड घूमती हुई आपको नज़र आएगी, हम उसी हिसाब से चलने भी वाले हैं। तो ये आपका जो भूमिका हम यहाँ पर बांध रहे थे, वह इंट्रोडक्शन जो हमने यहाँ पर बांधी है कि आप अपने आप से एक प्रश्न करेंगी, विशाली ये सवाल पूछेगी कि मैं 2024 में खड़ी हूँ, हम ये मानते हैं कि ग्रोथ के इंजन हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, हम ये मानते हैं कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हब हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ रही है, वहीं से उसका निर्माण हो रहा है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर सेंटर्ड हैं। तो जब आने वाले समय में लीडिंग फोर्स के रूप में रूरल अर्बन एरियाज अपना रोल प्ले करना चाहते हैं तो ये कितना रेलेवेंट है कि हम उस समय में रूरल डेवलपमेंट पर बात करें।
ये बहुत रेलेवेंट है क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से जो बेनिफिट्स डेवलप करेगी वो बेनिफिट्स कितने समाज के लिए हैं, ये बड़ा सवाल है। जब आप प्रोग्रेस हो रहे हैं तो कौन एक्चुअली में प्रोग्रेस हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। जब आप एक विकसित राष्ट्र हुए तो एक्चुअली में विकसित कितने लोग हुए और कौन हुआ, ये बड़ा सवाल है। और क्या ये हो पाएगा भी, ये मुमकिन भी है, तो तब सवाल आ जाएगा रूरल सोसाइटी का। तो तब बात आएगी इंडियन कैरेक्टर ऑफ द रूरल सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द रूरल सोसाइटी इन इंडिया, देयर डोमिनेंस इन नंबर्स, देयर डोमिनेटिंग द नंबर्स इन एवरी मैनर, एंड दैट इज़ वाई द रूरल वेदर द इशूज इंडिया इज़ कन्फ्रंटिंग इन सोशल एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट, द रूरल एरिया इज डोमिनेटिंग इट टू दैट। Whether it is poverty, it is malnutrition, it is malnourishment, it is gender inequality, it is the backwardness, it is the food insecurity, it is the chronic hunger, it is the seasonal unemployment or the feudalistic system of the society, the control of the resources, inegalitarian system, concentration of the wealth, you will observe that. The rural society is dominating into that. So majority of the issues are associated with the rural society, so you need to deal with that. If you truly wants to develop India, और बाकी सारे पहलू तो हम इसलिए उस पर बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल खड़ा होता है कि भाई रूरल डेवलपमेंट क्या है, ग्रामीण विकास क्या है, इसी बात विशाली के मन में आ रही है। आ रही है कि नहीं, नहीं आ रही तो दूसरे किसी का नाम ले लेते हैं, है ना। आ रही है, दूसरा मार्कर दीजिए प्लीज़। देखिए रूरल डेवलपमेंट, ठंड लग रही है ना, अब लग रही है ना, छोटा वाला चला गया। तीन चार इंजन हैं हमारी क्लास में छोटे बड़े, जब जब मन करे चला देते हैं कि दम ना घुटे। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट क्या है। देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इसके बहुत से आयाम हैं। आप मेनली ये समझिए कि जो विलेज इकोनॉमी है उसकी प्रोग्रेस, उसके डिवेलपमेंट में जो एरियाज़ लैग कर गए या जिन एरियाज़ में लैक है, उन एरियाज़ के इस लैक को दूर करने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं वह एक्शंस रूरल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड एक्शंस होंगे। तो रूरल डेवलपमेंट जब हम समझ रहे हैं कि क्या है, तो हम उन एरियाज़ को समझ लें जो लैक कर रहे हैं, तो हमें समझ आ जाएगा कि ग्रामीण विकास क्या है और कैसे करना है कि नहीं। चलो आओ हम इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने है वो ये है, दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप मानते हैं ना कि जब नेशनल डेवलपमेंट हुई और हो रही है आज दिन तक, उसमें जो विलेज की डेवलपमेंट हुई, जिसमें विलेज इकोनॉमी जब प्रॉस्पेरस हो रही है, तो उसमें जो चीज़ की कमी रह रही है, जो काट पंजाबी चे कहते जड़ी चीज़ की काट है, वो पूरा करना है ना आप में, जो मिनरल कम रह रहा है। अगर मैं आपके बारे में, जैसे जसमीत जिम जाते हैं तो कह रहे हैं सर फुल बॉडी डेवलपमेंट करना है, तो कैसे करेंगे जसमीत, पता लगाएंगे ना किन किन चीज़ों की कमियां हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरतें, तो बस उन चीज़ों को पूरा करें तो आप काम कर देंगे। तो जब इनके विकास में जो जो कमियां रह रही हैं, जहां खालीपन रह रहा है, हमें उन्हें भरना है, हमें उन्हें बेहतर करना है। उसकी वजह ये होगा कि ये फर्दर जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो और प्रोडक्टिव हो जाएंगे और डेवलपमेंट होने लग जाएगी, देखना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत भारी कमी है ग्रामीण इलाकों के हमारे भारत की। लिटरेसी की कमी है, ख़ास तौर पर फीमेल लिटरेसी की कमी है। तो यू नीड टू फोकस ऑन द लिटरेसी, स्पेसिफिकली ऑन द फीमेल लिटरेसी। यू नीड टू फोकस ऑन द एजुकेशन, यू नीड टू फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों पर बल देना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन द पर्सनल हेल्थ एंड द पब्लिक हेल्थ। आपको सैनिटेशन पे काम करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर काम करना है, सीवेज का प्रबंध वहाँ पर बेहतर करना है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, इन चीज़ों पर काम करना है। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जुड़ी हुई चीज़ है। ओके, इस चीज़ की कमी ऑब्जर्व हुई जब हम विकास की बात कर रहे थे, कि जो रूरल डेवलपमेंट का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को रियलाइज़ होने से कौन सी चीज़ें बाधा पैदा कर रही हैं, इम्पेडिमेंट्स क्या हैं। तो अब हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली में चुनौतियां क्या हैं, हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। तो देर आर मैनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। जिन चैलेंजेस के विषय में हमें हमारे भारत में अब तक विकास को लेकर के जितने काम हुए
उन कामों के तहत जो खामियां रह गई हैं, वो खामियां आज हमारे सामने चुनौतियों के रूप में खड़ी हैं। हमें उन खामियों पर, उन कमियों पर दोबारा से सारे प्रोग्राम आरंभ करते हुए विचार करना होगा। ओके, सो वी नीड टू टेक इनिशिएटिव अफ्रेश ऑन ऑल दोज वीकनेसेस, ऑन ऑल दोज लिमिटेशंस, जो भी कमियां रह गई हैं, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द मेन एलिमेंट, तो इस पर हमें काम करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर हमें काम करना है। ओके, अ सेकेंड मेजर इशू विच इज़ एसोसिएटेड, विच इज़ द एरिया विच इज़ लैगिंग बिहाइंड, एंड दैट इज़ द लैंड रिफॉर्म्स। सो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट, आपको लैंड रिफॉर्म्स पर काम करना है। ओके, लैंड रिफॉर्म पर काम करेंगे तो जो रूरल पावर स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। आप ज़मीनें, लैंड रिफॉर्म के तहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि ज़मींदारी ख़त्म करनी है, और जो ज़मींदारी ख़त्म करने का एक मुख्य मकसद ये था कि आप सीधे कल्टीवेटर को गवर्नमेंट के साथ संपर्क में लाएं, इंटरमीडियरीज ख़त्म करें। और दूसरी बड़ी चीज़ इसके तहत ये थी कि आपको लैंड सीलिंग के कानून लागू करने हैं, जिसका उद्देश्य ये था कि जो एक्सेस ऑफ लैंड होगा अबव दैट बार सेटल्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द लॉ, उसे उनके हितों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जिनके पास लैंड नहीं है। तो इसके तहत लोगों को रिसोर्स देना, एसेट्स की ऑनरशिप प्रोवाइड करना, उन्हें इनकम जनरेट करने के अवसर देना, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती कि जो एक उदासीनता आ चुकी थी इंडियन फार्मिंग कल्चर में, कि वो यह कि भाई हम क्यों ही प्रोड्यूस करें, उसका लाभ क्या मिलेगा। कल्टीवेटर ये सोच रहा था कि हम क्यों ही प्रोड्यूस करें, उसका लाभ क्या मिलेगा, हमसे जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं रेवेन्यू के रूप में ले ली जाएगी, वो ख़त्म होगा, उनको उनकी ज़मीनें मिलेंगी और वो उस पर पैदा करेंगे तो उसका लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि उस तरह के रेवेन्यू सिस्टम सब नहीं रहेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ये था कि जो लैंडलॉर्ड था, ज़मींदार था, वो वैसे ही ज़मीन पर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वह एब्सेंटी लैंडलॉर्ड था, और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की वजह से किसी तरह के एग्रीकल्चरल इनोवेशंस नहीं हुए, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए। यह भी चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब जिसके पास ज़मीन आई है वो उस ज़मीन पर काम करेगा, खेती करेगा, उसका विकास करेगा, उस पर निवेश करेगा, और दूसरा जिनके पास ज़मीन रह गई है ज़मींदारों के पास, वो भी फर्दर उन ज़मीनों पर काम करेंगे, क्योंकि उनके पास अब वो उस तरह की उतनी ज़मीन नहीं रह जाएगी। सेकंड, कल्टीवेटर ही के पास ज़मीन रहेगी, ज़मींदार के पास उतनी ज़मीन रहेगी जिसे वो कल्टीवेट करता है, तो बताओ कल्टीवेटर उसके पास ज़मीन रहेगी तो उसे वो कल्टीवेट करनी है। तो इस तरह से ओवरऑल एक प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा ऐसा मानना था। अगर हम ज़मींदारी एवोल्यूशन करते हैं, हम लैंड सेलिंग का कानून लाते हैं, इससे ऑनरशिप और प्रोपराइटरशिप के अधिकार मिलेंगे ज़्यादातर किसानों को, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगा, एसेट क्रिएशन होगा, लोगों को डेवलप होने के अवसर मिलेंगे, इनकम क्रिएशन के अवसर मिलेंगे, ओवरऑल नेशनल लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ेगी। तीसरा कानून था हमारा टेनेंसी रेगुलेशन, ताकि वो जो बेदखली कर दी जाती थी, वो जो एविक्शन ऑफ द फार्मर हो जाता था, किसी तरह की कोई पट्टेदारी ना करना और कोई एविडेंस ना होना उस आदमी के पास कि मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ इसके खेतों में, ऐसा नहीं, शर्तें लागू होंगी, उन शर्तों के तहत ही वो व्यक्ति किराए पर, ठेके पर वो ज़मीन लेगा, और इसके तहत ही जब तक वो शर्तें निभा रहा है ज़मीन से उसे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं आप। इसके तहत उसे कॉन्फिडेंस आएगा, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर होगा, वो निवेश करेगा और कामकाज करेगा, खेती करेगा। तो ये तीन मुख्य कानून हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के रूप में लाना चाहते थे, जिन्हें हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। अगर लाए जाएंगे तो SC ST OBC को ज़मीनें मिलेंगी, वो आर्थिक रूप में मजबूत होंगे और वो इकोनॉमिकली एम्पावर होंगे, वो पॉलिटिकली स्ट्रेंथन्ड होंगे, और ऐसा होने से जो रूरल लेवल पर पावर स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आएगा, जो शक्ति का ढांचा है, क्योंकि संपत्ति आएगी इन लोगों के पास, आवाज़ आएगी इनके पास, शिक्षा आएगी इनके पास, बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ होने की वजह से देश के रिसोर्सेज में ये लार्जर स्टेक क्लेम कर पाएंगे, और इसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर प्रभावित कर पाएंगे देश की नीतियों को, नीतिकारों को, और अंततः ग्रामीण ढांचे में परिवर्तन आएंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इवन इकोनॉमिक। तो ये ज़रूरी है, इस वजह से रूरल डेवलपमेंट के मार्ग में अधूरे से हुए लैंड रिफॉर्म्स एक बड़ी बाधा है, हमें बेहतर तरीके से ये रिफॉर्म्स करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हमें रूरल एरियाज़ में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को जनरेट करना है, तो हम ये कोशिश करें कि हम प्रोडक्टिव रिसोर्स जनरेशंस करें। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम
रूरल एरिया में जब किसी भी तरह की कोई योजनाएं चला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम मनरेगा ही जैसी स्कीम चला रहे हैं, तो हम इस तरह की चीज़ों का क्रिएशन करें, जैसे कुएं खोदे जा रहे हैं या वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट जैसी योजनाएं हैं, पॉलिसीज़ हैं, ताकि जो भी रिसोर्सेज वहाँ पर क्रिएट करें हम, वो प्रोडक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट करें एग्रेरियन सोसाइटी को, मतलब फार्म एंड नॉन फार्म इनकम क्रिएट करने में मदद पैदा करें, ये हमें करना पड़ेगा। तो हम अगर बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव सेंस में हो, ताकि उनके इंटरेस्ट रेट्स इतने एग्जॉर्बिटेंट ना हो कि व्यक्ति ट्रैप में आ जाए, उनकी टर्म्स ऑफ लेंडिंग इतनी ज़्यादा हार्श ना हो कि व्यक्ति लोन ही ना ले पाए, उनकी रिकवरी उतनी हार्श ना हो, इंस्टॉलमेंट्स सॉफ्ट रहें उनकी। इस तरह के तमाम रिसोर्सेज हमें जनरेट करने हैं रूरल एरियाज़ में, जो प्रोडक्टिव सेंस में काम करेंगे, मतलब वो रूरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सच थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। इस समय में ग्रामीण समाज जो है हमारा, रूरल सोसाइटी विच इज़ सफरिंग, इट्स बिकॉज कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। जहाँ जिस दिशा में जा रहे हैं सब तरफ नकारात्मकता है। जो कुछ रिसोर्सेज हैं वो बड़े किसानों के पास, मनी लेंडर के पास, पूंजीपतियों के पास, मिडल मैन के पास, जो आड़तिया है, इनके पास कंसंट्रेटेड हैं, इनके पास हैं वो। तो अल्टीमेटली वो इनके लिए बेनिफिट क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं तो वो इनके पास हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है पे करने के लिए, उनके पास पैसा है प्रोजेक्ट लगाने के लिए। लेकिन अगर हम खाल बना दें खेतों में, अगर हम नहरों का बेहतर जाल बना दें देश के अंदर, अगर हम नदियों की परियोजनाएं बेहतर ले आएँ, बानियों को बांधें, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसी चीज़ों को लेकर के आएँ, रिसोर्स वाटर रिचार्ज बेहतर करें, सॉइल मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखें, सॉइल टेस्टिंग अच्छे लेवल पर हो, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो हम कुछ इस तरह के संसाधनों का निर्माण कर पाएंगे जो रूरल इनकम को कंट्रीब्यूट करेंगे, रूरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में योगदान देंगे। हम पास्चर लैंड को बेहतर डेवलप कर सकते हैं, हम कम्युनिटी लैंड की हेल्थ और क्वालिटी को रिस्टोर कर सकते हैं, कम्युनिटी लैंड इवन जो स्नैच कर लिए गए हैं बड़े किसानों के द्वारा, हम उन्हें छुड़ा सकते हैं, हम उन्हें बेहतर कर सकते हैं, हम जंगल के संसाधनों को और एनरिच कर सकते हैं, हम लोगों को कई तरह के कम्युनिटी एसेट्स क्रिएट करके दे सकते हैं, जैसे मछली पालन जैसी चीज़ें हम उन्हें करके दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, आप उदाहरण के तौर पर इन्हें विचार करते जाइएगा। किताब में तो मात्र इतना ही लिखा है, बाकी आप करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी घबराने वाली तो यार कोई बात ही नहीं है, सब मज़ा ही मज़े हैं। पढ़ाई क्या है, मतलब पढ़ाई क्या होती है? एडिक्टिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप अपने मायने ढूंढ रहे होते हैं। अगर पढ़ाई लॉजिकल है ना, अगर रटंत नहीं है और आपको बिल्कुल रूप रेखा दिख रही है कि हाँ हाँ ये तो यही है, तब आप उसमें बंधते हैं। जब आप उसमें बंधते हैं ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको उसके सार्थक स्वरूप दिख रहे हैं पढ़ाई के। ये स्ट्रेंथ है, ये कला है। ये क्या है? कला। ये नशा नहीं है, इट्स नॉट नशा, इट्स नॉट एडिक्टिव, इट्स प्रोडक्टिव। ओके, व्हेन यू वांट टू डू मोर एंड मोर वर्क, इट इज़ अ वर्चुअस साइकिल, नॉट अ विशियस साइकिल। व्हेन यू आर नॉट इन योर कंट्रोल and doing something continuously, it's a vicious cycle, then you are addictive to something. When you are in your full control and you are doing that thing under a positive energy, it's a virtuous cycle. हम पढ़ाते इतना खतरनाक है कि कई लोग कहते हैं कि बड़ी addictive है। Addictive नहीं है, seductive नहीं है, ऐसे word पढ़ाई के बारे में use नहीं होते। Productive है, creative है, निर्माणकारी है। क्योंकि एडिक्टिव कौन सी चीज़ होती है? विशियस साइकिल चलाती है। और प्रोडक्टिव कौन है? जो वर्चुअस साइकिल। एडिक्टिव कौन है? जिसमें हम पर बस नहीं है। लेकिन पढ़ाई कब होती है? जब हम हमारे पूरे बस में होते हैं। थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट करना, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यही इसका मीनिंग नहीं आप डेवलप कर पाएंगे किसी दूसरे आदमी के सामने देखना, थोड़े से भी टेंशन में आ गए तो। पूरे फोकस्ड, पूरे कंसंट्रेटेड, पूरे इमर्स्ड होंगे पढ़ाई में, ये याद भी रख पाएंगे एकदम सीक्वेंस में और इसके मीनिंग भी बता पाएंगे। दिस द इम्पॉर्टेंट सिस्टम। ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या हो सकता है रूरल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए? देखो, इट्स अ मेजर थिंग इज दैट यू नीड टू ऑर्गेनाइज, यू नीड टू इन्हांस रूरल प्रोडक्शन, यू नीड टू डाइवर्सिफाई इंडियन एग्रीकल्चर, यू नीड टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज इन नॉन फार्म सेक्टर,
That's the one thing. And the second, that you need to mobilize the production in a far more better manner, okay? So for that, you need money and credit system in the rural society, well organized. You need agricultural marketing system in the rural society. So it's strengthened, decentralized, orderly and transparent manner mein kaam karne wala money and credit system and agricultural marketing system is the requirement of the rural area, jis par hum aage baat bhi karne wale hain, to wo aapko chahiye. तो कई बार बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि कुछ निकला नहीं चैप्टर में से, कहानी कहानी निकल गई. ऐसा नहीं है. अभी हम बुक के जो सेकंड ही कंटेंट में हैं, तो कंटेंट आपके सामने, देखिए कैसे निकलता है कंटेंट, है ना, निकल रहा है कंटेंट. कैसे कल एनसीईआरटी इकोनॉमी करके सीधे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्वेश्चन चल रहे थे क्या? ऐसे ही इसके दम पे चल रहे थे. ओके अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है? किसी भी एक्टिविटी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और उसके फुल पोटेंशियल तक रियलाइज़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मेन रिक्वायरमेंट. समझ रहे हैं मेरी बात को? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, आपको इरीगेशन नेटवर्क का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, आपको गोडाउंस वेयर हाउसेज बनाने पड़ेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाए पड़ेंगे, सप्लाई चेन नेटवर्क कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी. ओके इज़ द मेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज. इरीगेशन का एक्सपेंशन करिए, इलेक्ट्रिफिकेशन करिए सारे रीजन्स में, जो गांव हैं उसे मंडियों से जोड़ने का काम करिए, गांव को शहरों से जोड़िए, हाईवे से जोड़िए. सो रूरल रोड्स, लिंकिंग रोड्स, फीडर रोड्स, इन सब का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रामीण विकास करना चाहते हैं. तो इस तरह से ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. ओके तो वो हमें करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना. जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं तो एक स्पेसिफिक चीज़ इसमें ये आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बात कर रहे हैं तो रिसर्च एंड इनोवेशन भी होना बहुत ज़रूरी है. रिसर्च एंड इनोवेशन का होना बहुत ज़रूरी है. आप बेहतर तरीके से इरीगेट करें, जैसे मैंने बताया माइक्रो इरीगेशन सिस्टम्स, तो बेहतर तरीके से इरीगेट करें, अच्छे तरह से दवाइयाँ छिड़कें, बेहतर सॉइल की जानकारी हो, क्रॉपिंग पैटर्न बेहतर जानकारी हो, पशुओं की नस्लें अच्छी हों और उनका रखरखाव का तरीका बिल्कुल सटीक हो आपका, कैसे बेहतर पैदावार ली जा सकती है, कैसे कॉम्बिनेशन में फसलें उगाई जा सकती हैं. तो आपको लगातार रिसर्च करना होगा, लगातार इनोवेट करना होगा, लगातार एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज देते रहना होगा जिसके तहत किसान को इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाती है, किसान को जानकारियाँ देना, पर्यावरण के बारे में जानकारी देना, मौसम की जानकारियाँ देना लगातार, कीट जो हैं उनके बारे में जानकारियाँ देना लगातार, किस किस तरह से सॉइल का बेहतर यूटिलाइजेशन लिया जा सकता है बताना, सॉइल हेल्थ इम्प्रूव करने के तरीके लगातार सुझाते रहना, खाद की नस्लें प्रकार बताते रहना. तो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन आने वाले समय में की होगा एग्रीकल्चर, इट विल बी द की टू एग्रीकल्चर. इसके बिना आप कहेंगे कि आप अपने बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से बेहतर एग्रीकल्चर कर लेंगे, तो नो, यू नीड टू बी वेरी रॉबस्ट इन हैविंग हाईली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड दैट उसके बेसिस पे आप बीमारी मुक्त रख पाएंगे अपनी खेत फसल को. उसके बेसिस पे ही आप कम पानी लगा के, कम फर्टिलाइज़र डाल के, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके कम भूमि में आप ज़्यादा फसल ले पाएंगे विद ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन. उसके वेज आपको लगातार समझने पड़ेंगे. देखिए क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना आने वाले समय में और उससे एसोसिएटेड जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं हर जगह पर, वायुमंडल में परिवर्तन आ रहे हैं, भूमंडल में कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, एवरीवेयर, अब वो बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्विंग नेचर के हैं. तो लगातार ह्यूमन की नॉलेज भी इवॉल्व होनी चाहिए उसे काउंटर करने के लिए. हम इसी के बेसिस पे मिटिगेशन तैयार कर सकते हैं अपनी, वरना मिटिगेशन फेल्ड है अपनी. आप एक सर्टेन लेवल नॉलेज रख के बैठे हुए हैं और वो दूसरी आपको जो चुनौती दे रहा है वो इवॉल्व हो रहा है लगातार, है ना, और आपकी नॉलेज जो है मतलब 15 साल रिडंड पुरानी चल रही है. तो यू कैन नॉट टैकल विद दैट. इससे अभी रिसेंटली मैंने खबर आपको भेजी इसी चीज़ के लिए, हम बेहतर मिटिगेशन कर सकें क्लाइमेट चेंज को, तो हमने सिक्किम के सारे ग्लेशियर्स का रीसेंट साइंटिफिक सर्वे कंक्लूड किया. हमने सिक्किम के सारे ग्लेशियर्स का साइंटिफिक सर्वे क्यों कंक्लूड किया? कि हम ये बिल्कुल सटीक जानकारी से जान पाएँ कि कितने ग्लेशियर्स पिघल करके लेक बन रहे हैं और लेक कितनी देर में बन रही, कितने टाइम में मतलब प्रोग्रेस करती है, ग्लेशियर कैसे पिघल रहा है, कितनी डेंसिटी का ग्लेशियर कितनी देर में पिघल रहा है, कितने टेम्परेचर राइज से उसको सिक्किम वाले लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड में कितना इम्पैक्ट आ रहा है,
और एक लेवल के बाद जब लेक्स का पानी बढ़ेगा तो कितनी चुनौती है हिमालयन स्टेबिलिटी को और कितनी चुनौती है हमारे डैम्स को। तो आउटबस्ट ग्लेशियल लेक, आउटबस्ट फ्लड के चांसेस क्या बनने वाले हैं, इसके लिए लोअर रिवर एरिया में हमने लोगों को कैसे तैयार करना है, रेफोर्सेस कैसे प्रिपेयर करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप करना है, फूड कैसे स्टॉक करना है, इनकम क्रिएशन, जबरदस्त खेल होता है। मतलब पूरा अगर आप चुनौतियों के बराबर बराबर चल रहे हैं तब तो बात है, और चुनौतियां आपसे 10 कदम आगे चल रही तो बैठे रहो मुंह ढाके फिर, है ना। मतलब एक हम सपोज कीजिए कि हम पढ़ा ही रहे हैं, अब आप 2010 के पहले का सिविल्स का पेपर का खोल के देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम का, अब उसी मेथड से उसी आइडिया से पढ़ा रहे हो बाबा आदम की तरह, तो बैठे रहो यहाँ पे। लेकिन उसके बाद के लगातार आपको बस जब भी देखना है जिंदगी में 2011 ऑनवर्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम देखने हैं बस, और हर साल का देखना है, ऐसा लगेगा ऐसे जबरदस्त लीप करते हैं। एवोल्यूशन, हर चीज में एवोल्यूशन, क्वेश्चन की सब टाइप, क्वेश्चन का कैरेक्टर, मतलब जबरदस्त। आपको भी अपने सिलेबस में ऐसे इवॉल्व होना है, कंटिन्यूस ऐसा कंटिन्यूस एवोल्यूशन, तब यू कैन टैकल विद इट, आप उसको टैकल कर लेंगे, ओके, यू कैन डील विद इट। तो दैट इज व्हाट दैट आपको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करते रहना है कम्युनिटीज़ में, खासकर यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, टू द एग्रेरियन सोसाइटी। और वो किसके बेसिस पे होगी, जब आपके कंटिन्यूस डाटा गैदर हो रहा है, रिसर्च हो रही है, इनोवेशंस हो रही हैं, ये सब हो रहा है, और लगातार जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं वो काम करते रह रहे हैं किसानों के लिए, किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए जो जानकारियाँ आवश्यक है वो आप उनको बता रहे हैं, कैसे नई तकनीकें बनाई जाएँ, उन तकनीकों का उपयोग करने के लिए उन्हें कंफर्टेबल बना रहे हैं, उनके सामने डेमोंस्ट्रेशंस कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें ये सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि ये सब चीज़ें तो उनके जीवन में परिवर्तन करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ आप ये कभी ना भूलें कि आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम्स करने से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। यू नीड टू डू द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, आप उससे बचाव होने वाला नहीं है आपका, क्योंकि देखिए तब तक के लिए मरने दिन छोड़ सकते लोगों को। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये होती है कि इन सब चीज़ों के प्रयासों से लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो वो थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गरीबी वाली चुनौतियों ने मारना छोड़ी थोड़ी ना, उन्हें बीमारियों ने उन्हें मारना छोड़ा थोड़ी ना, दूषित पानी ने उन्हें मारना छोड़ा थोड़ी ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आप इधर से उन्हें देते जा रहे हो, चलो थोड़ा बहुत सेट हो रहे हैं, उधर से वो चुनौतियाँ फिर तो पकड़ ले रही हैं उनको, इसलिए लगातार हमको वहाँ से स्पेसिफिक अटैक, एक मतलब ऐसा करना है, एक ज़मीन से वो पटाखा फोड़ना है जो ऊपर जाके छत में फैलता है, एक यहाँ से सीधी रॉकेट भी दागनी है, समझ रहे हो ना, एक वो बड़ा पटाखा जो माहौल बनाएगा पूरा, ये सब इकोसिस्टम बनाना कहते हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट, और एक टारगेटेड अप्रोच सीधा वहाँ पर, जैसे ही आदमी उधर ऊपर देखे ये चकटुक चके लग जाए, ये कहानी है, ये सब करना पड़ता है। मतलब अब क्या क्या सिखाऊँ, बहुत कुछ है, कितना कुछ है। तो ये है, गांधी पर एक किताब है बहुरूपे गांधी, किताब क्या है बहुरूपे गांधी, देसी आदमी कहेगा बहुरूपी गांधी, बहुरूपे गांधी, सारे रूप गांधी के, चर्चिल से मिलने वाले भी गांधी, नाउखली में दंगाइयों से मिलने वाले भी गांधी, कांग्रेस की समितियों में बैठने वाले भी गांधी, इरविन से बात करने वाले भी गांधी, बहुरूपे गांधी, इतने रूप है कि जान नहीं पाएंगे। ओके, चलो चलो आगे। तो ये क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्पेसिफिक कैरेक्टर के, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक हो सुमित? ओके, चेहरा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ओह सही है, अच्छा नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, अच्छा अरमान कंफर्म कर रहा है क्या है चेहरे में, उधर देख रहा है इधर देखने के बजाय। बेटा पढ़ा, मैं यहाँ रहा हूँ, देख तो मैं आप ही को रहा हूँ, बच्चों पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर बोर्ड देख रहे हैं, हैं? क्यों देखूँगा मैं बोर्ड, बता। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड जो सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, SC, ST, OBC, द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं लानी है दिव्या, वो भी योजनाएं लानी है। दिव्या स्माइल कर भाई, चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी था वो भी। तो दिस इज़ अ सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ओके दिव्या, एक बार पढ़ लें,
आपको काम करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, आपको काम करना है लैंड रिफॉर्म्स पे, आपको प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, आपको मनी एंड क्रेडिट सिस्टम, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम जैसी चीज़ों पर काम करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है जिसमें इनोवेशंस एंड रिसर्च जैसी चीज़ें करनी है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जैसी चीज़ें करनी है, आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाने हैं, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हुए प्रोग्राम चलाने हैं, वीकर सेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। तो अगर हम ये सारी कमियाँ हैं जब हम राष्ट्र के विकास में ग्रामीण विकास को देख रहे हैं, तो जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो विकास हो रहा है उस विकास में जो कमियां रह रही हैं वो ये रह रही हैं, है ना, द रूरल एरियाज आर लैगिंग इन दीज एरियाज, सो दीज आर द लैक्स, सो वी नीड टू हैव स्पेसिफिक एक्शन ऑन दीज एरियाज, सो दो स्पेसिफिक एक्शंस एसोसिएटेड विद दीज एरियाज आर द एक्शंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हमारे वो जो एक्शंस हैं वो जो हम चीज़ें करेंगे वो रूरल डेवलपमेंट के एक्शंस माने जाते हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। ओके, देखिए बड़ा सवाल ये है कि ये बहुत ज़रूरी है करना, अरमान सोच रहा है कि क्यों है ज़रूरी करना, मैं आपको भी बता देता हूँ, ध्यान से समझो, भारतीय समाज में 1951 से लेकर के अब तक एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, या मैं कहूँ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का द प्राइमरी सेक्टर, उसका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हुआ है, और इसकी वजह से वो रिड्यूस होकर के आज 14-15% से लेकर के 19% की ब्रैकेट में लाए करता है। मैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड दोनों लेके चल रहा हूँ, प्राइमरी एक्टिविटीज़, इसलिए मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, अगर मैं अकेले एग्रीकल्चर लेता तो अकेले एग्रीकल्चर लाई कर रहा है समवेयर 15-16% रहता है, और अलाइड जोड़ लें तो समवेयर 19% के आसपास, तो मैंने इसलिए ओवरऑल ब्रैकेट बना दी, 15-19% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का। ठीक है, किसी भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है और वो अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग, डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेटस की तरफ जा रही है, उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रिड्यूस होता ही है, ये होता है, हमने पढ़ा है पहले, लेकिन साइमल्टेनियसली जो चीज़ होनी चाहिए वो ये, और वो नहीं हुआ भारत में, वो क्या होना चाहिए कि जो लोगों का डिपेंडेंस है वो भी एग्रीकल्चर से रिड्यूस होना चाहिए। तो अब एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में घट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ द डिपेंडेंस ऑफ द पीपल वो घट नहीं रही है, मैंने अभी डिस्कशन किया 65% सोसाइटी इज स्टिल एग्रेरियन, है कि नहीं, और एक्चुअली अगर हम डायरेक्ट ऑक्यूपेशन वाइज जाएं फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड स्टिल द 50% पॉपुलेशन, समवेयर कहीं 47% आंकड़ा है, आप इसको 50% मान के चलिए, 50% पॉपुलेशन इज स्टिल इंडल्ज्ड इनटू द एग्रीकल्चर फॉर द डायरेक्ट ऑक्यूपेशन दैट इज द लाइवलीहुड, सो दिस इज द डोमिनेंस। तो आप जीडीपी में शेयर रिड्यूस करते जा रहे हैं, मतलब आपका जो जो इनकम में शेयर है वो कम हो रहा है, है ना, लेकिन जो लोग आपसे इनकम क्लेम कर रहे हैं उनका शेयर आप पे आज भी उतना ही है, डिपेंडेंस आज भी आप पर लोगों की उतनी बनी हुई है, और आपका इनकम में, नेशनल इनकम में शेयर घट गया है, जीडीपी में घट गया है, तो इस वजह से ये देखने को आ रहा है कि बाय एंड लार्ज तो लेस रेम्यूनरेटिव होते जा रहा है एग्रीकल्चर, लेस रेम्यूनरेटिव होते जा रहा है, उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा, समझ में आई, ये तो एक परिस्थिति थी, इस पे सोने पे सुहागा कुछ और भी हुआ, वो क्या हुआ, जब रिफॉर्म्स हुए हमारी कंट्री में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स जिनको हम कहते हैं, उन रिफॉर्म्स के बाद ये स्पेसिफिकली देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ डिक्लाइन होनी शुरू हुई, जो कि प्री रिफॉर्म्स पीरियड में ग्रोथ ज़्यादा थी, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में ग्रोथ डिक्लाइन हुई, और वो समवेयर स्टेगनेंट हो गई, एवरेज 3% के आसाउ, ओवरऑल देखें एनुअल बेसिस पे तो वो माइनस में भी गई है, और हमारा आंकड़ा हमेशा रहा है कि मिनिमम 4.5% के अराउंड तो ग्रोथ हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो 3% के अराउंड आकर के रुकी, तो एग्रीकल्चर एनुअल ग्रोथ रेट वो रिड्यूस हो रही है एवरेज पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड में, ये सेकंड चीज़ है कि जिस सेक्टर की ग्रोथ रेट ही कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गई उस सेक्टर का इनकम ग्रोथ रेट कैसे मैनेज हो रहा होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर
मात्र 1% के अराउंड रहा है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के दौरान, ये भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो सभी इंडिकेटर्स जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है वो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर रेमुनरेटिव नहीं रह गया, इनकम जनरेशन ओरिएंटेड नहीं रह गया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ओरिएंटेड नहीं रह गया, और जो लोग उसमें इंडल्ज हैं उनका जीवन स्तर भी बेहतर नहीं है। इसका मेजर कारण जो स्कॉलर्स ने पता लगाया वो यही कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड्स में जो गवर्नमेंट सपोर्ट था वो हैविली रिड्यूस हुआ, चाहे वो MSP को के कर्टेलमेंट के रूप में हुआ हो, चाहे वो जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स थे उनकी कमी के रूप में हुआ हो, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट रिड्यूस हुआ है, चाहे वो सब्सिडी के रूप में ही रिड्यूस हुआ हो। तो सब्सिडीज रिड्यूस हुई हैं, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम जो सपोर्टिव चीज़ें थी।